सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोबियस फंक्शन हमने ऑलरेडी मोबियस फंक्शन के चार प्रॉपर्टीज़ कर लिया है तो आज हम फिफ्थ प्रॉपर्टी शुरू करने वाले हैं तो क्या बोल रहा है लेट एन इक्वल्स टू पी वन टू पावर अल्फा वन पी टू टू पावर अल्फा टू डॉट डॉट पी के टू पावर अल्फा के तो हमने एन को ऐसे एक्सप्रेस किया है जहाँ पर पी वन पी डॉट पी के आर ऑल डिस्टिंग प्राइम्स यहाँ पर पी वन पी टू पी के सारे के सारे डिस्टिंक्स प्राइम्स है देन व्यू हैट सामेशन डी डिवाइड एन म्यू ऑफ डी इन टू सिग्मा ऑफ डी इज इक्वल्स टू माइनस वन टू इन टू पी ऑन पी डॉट डॉट पी के तो यहाँ पर म्यू ऑफ डी मतलब कि म्यू फंक्शन दैट इज मोवियस फंक्शन है एंड सिग्मा ऑफ डी तो हमने सिग्मा फंक्शन पढ़ा था जिसे हम साम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर फंक्शन भी बोलते हैं तो सिग्मा फंक्शन क्या होता है डी से छोटे जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर है जो कि डी को डिवाइड करते हैं तो उनका जो समेसन होता है उसको हम सिग्मा ऑफ डी यानी कि साम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर फंक्शन बोलते हैं तो इसे हम प्रूव करेंगे सोल्यूशन वी हैव वॉट यू हैव हमारे पास है एन इक्वल टू पी वन टू दी पॉवर आल्फा वन पी टू टू दॉर आल्फा टू डॉट डॉट पी के टू दी पावर आल्फा के जहाँ पर हो आर पी वन पी टू पी के ऑल आर ऑल आर डिस्टिंग प्राइम्स डिस्टिंक्ट प्राइम्स और यहाँ पर जो अल्फा आई है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन मतलब कि पी वन पी टू पी के इनके पावर में जो अल्फा वन अल्फा टू तो अल्फा के है सारे के सारे जो है वो वन है या फिर वन से बड़े किसी पॉजिटिव नंबर है ओके okay. तो समेशन डी डिवाइड इन म्यू ऑफ T एंड सिग्मा ऑफ डी इस समेशन को अगर हम डिकम्पोज करें तो हमें क्या मिलेगा म्यू ऑफ वन क्योंकि वन इनको डिवाइड करता है ठीक है इन टू सिग्मा ऑफ वन प्लस हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ पी वन इंटू सिग्मा ऑफ पी वन क्योंकि पी वन जो है वो भी एन को डिवाइड करेगा क्योंकि एन में पी वन टर्म है सो एन को पी वन भी डिवाइड करेगा तो अभी हम एक एक प्राइम ले रहे हैं ओके okay. और उनका मल्टीप्लीकेशन म्यू ऑफ पी वन इंटू सिग्मा वन ऑफ सिग्मा ऑफ सॉरी सिग्मा ऑफ पी वन प्लस म्यू ऑफ पी टू इंटू सिग्मा ऑफ पी टू प्लस डॉट डॉट प्लस म्यू ऑफ पी के इंटू सिग्मा ऑफ पी के तो ए एक फॉर्म हो गया अभी अगर हम दो दो प्राइम्स के एक सन ले मतलब कि पी वन पी टू पी टू पी थ्री ए नंबर भी अगर डी हम हम अगर डी इक्वल्स टू पी के माइनस वन एंड पी के ले ले तो ये भी इनको डिवाइड करेगा ठीक है तो इस केस में हम म्यू ऑफ पी वन पी टू इंटू सिग्मा ऑफ पी वन पी टू लिख सकते हैं प्लस म्यू ऑफ पी टू पी थ्री इंटू सिग्मा ऑफ पी टू पी थ्री लिख सकते हैं प्लस डॉट डॉट प्लस म्यू ऑफ पी के माइनस वन पी के इंटू सिग्मा के माइनस वन सिग्मा के ये लिख सकते हैं ये सारे नंबर्स भी डी को डिवाइड करेंगे डी ये सारे डी भी इनको डिवाइड करेंगे ओके प्लस प्लस म्यू ऑफ पी वन पी टू पी थ्री इंटू सिग्मा ऑफ पी वन पी टू पी थ्री प्लस म्यू ऑफ पी टू पी थ्री पी फोर इंटू सिग्मा ऑफ पी टू पी थ्री पी फोर अगर हम तीन तीन टर्म्स को एक साथ लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस डॉट डॉट प्लस म्यू ऑफ पी के माइनस टू पी के माइनस वन पी के इंटू सिग्मा ऑफ पी के माइनस टू पी के माइनस वन एंड पी के तो इस तरीके से अगर हम लिखते जाए तो आखिरी जो टर्म आएगा दैट विल बी म्यू ऑफ पी वन पी टू डॉट पी के एंड सिग्मा ऑफ पी वन पी टू डॉट पी के ओके तो ऐसे हम बहुत सारे और भी प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर चुके हैं सो दैट विल बी इक्वल्स टू अभी हम इस पूरे के पूरे समेशन को कैसे लिख सकते हैं तो पहले टर्म के लिए आप देख सकते हैं म्यू ऑफ वन इंटू सिगमा ऑफ वन सिग्मा ऑफ वन भी वन होता है और म्यू ऑफ वन भी वन होता है तो इसे हम प्लस वन लिख सकते हैं प्लस म्यू ऑफ पी वन म्यू ऑफ पी वन क्या होता है माइनस वन होता है एंड सिग्मा ऑफ पी वन सीग्मा ऑफ पी वन मतलब पी वन को डिवाइड करता है जो जो नंबर्स उनका समेसन पी वन को वन डिवाइड करता है और पी वन खुद ही डिवाइड करता है खुद को क्योंकि पी वन जो है एक प्राइम है सो so प्राइम को वन और पी वन खुद डिवाइड करता है प्लस यहाँ पर म्यू ऑफ पी टू जो आएगा वो भी माइनस वन आएगा क्योंकि एक ही प्राइम है ओके एंड सिग्मा ऑफ पी टू आएगा वन प्लस पी टू प्लस डॉट डॉट ऐसे ही म्यू ऑफ पी के जो आएगा माइनस वन आएगा एंड सिग्मा ऑफ पी के विल बी वन प्लस पी के नाउ फॉर द सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म म्यू ऑफ पी वन पी टू म्यू ऑफ पी वन पी टू क्या आता है माइनस वन का स्क्वायर आता है क्योंकि यहाँ पर दो प्राइम्स है एंड म्यू ऑफ पी वन पी सिगमा ऑफ पी वन पी टू सॉरी सिग्मा ऑफ पी वन पी टू क्या आता है पी वन और पी टू दोनों को डिवाइड करता है कौन कौन दोनों को डिवाइड करता है वन एंड पी वन वन प्लस पी टू हमने ऑलरेडी साम ऑफ पॉजिटिव डिवाइसर फंक्शन कर लिया है तो हमने देखा था वहाँ पर पी वन पी टू ऐसे दो प्राइम्स का अगर कोई मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको जो नंबर्स डिवाइड करेंगे उनका जो समेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू वन प्लस पी वन इंटू वन प्लस पी टू प्लस अभी माइनस वन का स्क्वायर पी टू पी थ्री के लिए ऑफ पी टू पी थ्री इसके लिए माइनस वन का स्क्वायर इंटू ऑफ पी टू पी थ्री के लिए वन प्लस पी टू इंटू वन प्लस पी थ्री आएगा प्लस डॉट डॉट ऐसे ही म्यू ऑफ पी के माइनस वन इंटू पी के लिए आएगा माइनस वन का स्क्वायर इंटू वन प्लस पी के माइनस वन इंटू वन प्लस पी के ओके प्लस प्लस डॉट डॉट हम थ्री टर्म्स के लिए भी ऐसे ही लिख सकते हैं वहाँ पर माइनस वन का क्यू हो जाएगा एंड यहाँ पर सिग्मा ऑफ पी वन पी टू तो पी थ्री के लिए वन प्लस पी वन इंटू वन प्लस पी टू इंटू वन प्लस पी थ्री ऐसे आएगा अभी आखिरी टर्म वो पी वन पी टू पी के इसके लिए हम माइनस वन टू फोर के लिख सकते हैं इंटू सिग्मा डॉट पी के इसको हम लिख सकते हैं डॉट वन प्लस पी के ओके सो दैट विल बी इक्वल्स टू डेट विल्वल्स टू वन माइनस वन प्लस पी वन इंटू वन माइनस वन प्लस पी टू प्लस डॉटो डॉट वन माइनस वन प्लस पी के दैट विल भी इक्वल्स टू माइनस पी वन इंटू माइनस पी टू डॉडा डॉट माइनस पी के एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन टू दावर के इंटू पी वन पी टू डॉ डॉट पी के और हमें यही दिखाना था हेंस प्रूफ ना होती सिक्स वन लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटेजर एन एक पॉजिटिव इंटेजर है देन हैव टू शो दैट फाइव ऑफ एन इक्वल्स टू सामेशन डी डिवाइड एन म्यू ऑफ डी इंटू एन बाई डी यहां पर फाइव ऑफ एन जो है वो एक फाइव फंक्शन है हमने ऑलरेडी ऑयलर फाइव फंक्शन पढ़ लिया है सो फाइव ऑफ एन को हमें सामेशन डी डिवाइड एन म्यू ऑफ डी इनटू एन बाई डी दिखाना है सो हे आर केस वन इन केस वन लेट एन इक्वल्स टू वन यहाँ पर दो केस एक्सरसाइज करेंगे पहले केस में एन इक्वल्स टू वन आएगा और दूसरे किस में एनिक्वल टू पी वन टू दी पर अल्फा वन पी टू दीपर अल्फा टू ऐसे आएंगे ओके सो एन इक्वल्स टू वन के लिए हमें पता है ऑयल फाइव फंक्शन क्या होता है वन होता है एंड डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी इन टू एन बाई डी इक्वल्स टू म्यू ऑफ वन इक्वल्स टू वन होता है सो द रेजल्ट रेजल्ट होल्ड ट्री तो ट्रिवियल केस के लिए जो है ये रिजल्ट होल्ड करता है एन इक्व टू वन के लिए होल्ड करता है नाउ केस टू तो केस टू में लेट एन इक्व टू पी वन टू दर अल्फा वन पी टू टू दर अल्फा टू डॉट डॉट पी के टू दावर अल्फा के जहाँ पर हो आर पी वन पी टू पी के ऑल आर डिस्टिंग प्राइम्स आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स एंड आल्फा आई जो है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन दे आर फोर ऑयल आर फाइव फंक्शन क्या होगा फाइव ऑफ एन इक्वल्स टू हमने ऑलरेडी ऑयल आर फाइव फंक्शन पढ़ा था और उसका जो फॉर्मूला था फाइव ऑफ एन इक्वल्स टू एन इंटू वन माइनस वन बाई पी वन इंटू वन माइनस वन बाई पी टू डॉट डॉट वन माइनस वन बाई पी के ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ये हमें आता है ओके दिस इम्प्लाय फाइव बाई एन डिवाइडेड बाई एन इक्वल्स टू ওন মাইনছ ওন বাই পি ৱান ইণ্টু ওন মাইনছ ৱান বাই পি টু ডট ওান মাইনছ ওন বাই পি কে চ' দিছ ইম্প্লাই ই লিখ চকে ফাই অফ এন ডিভেড বাই এন ইকুৱেলছ টু ওন মাইনছ ৱান বাই পি ৱান প্লাছ ওন বাই পি টু প্লাছ ডট প্লান বাই পি কে প্লাছ ওন বাই পি ৱান পি টু प्लस वन बाई पी टू पी थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस वन बाई पी के माइनस वन पी के प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस वन टू पावर के वन बाई पी वन पी टू डॉट डॉट पी के तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं अभी इस पूरे के पूरे टर्म को हम समय में डी डिवाइड्स एम म्यू ऑफ डी डिवाइडेड डी इस फॉर्म में लिख सकते हैं ओके दैट इम्प्लाय फाइव ऑफ एन इक्वल्स टू समन डी डिवाइड एन यहाँ से एन ऊपर जाएगा सो म्यू ऑफ डी इन टू एन बाई डी और हमें यही दिखाना था हिंस ट्रूफ